हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैंने एक फॉरेस्ट को पेंट किया है, जिसके लिए मैंने लाइट ग्रीन एंड गैम्बोज ह्यू कलर का कोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये कोट जो मैंने किया है वेट ऑन वेट किया है, और अभी मैं सैप ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, जब भी हम पहली कोट करते हैं तो थोड़ा सा हम वेट ऑन वेट ट्राई करते हैं। आपको दिख रहा होगा मैं किस तरीके ब्रश चला रहा हूँ, और ध्यान रखना है कि आपको बार बार एक ही जगह ब्रश नहीं चलाना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, अब थोड़ा सा मैं डार्क कलर के लिए मैंने सैप ग्रीन प्लस पर्सन ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। ध्यान रखना है कि आपको एक जगह पे बार बार ब्रश स्ट्रोक नहीं चलाना, जैसे कि पेपर ना निकले। ठीक है, कोशिश करो कि स्टार्टिंग जो पार्ट है थोड़ा सा वेट ऑन वेट आप ट्राई करो। आपको दिख रहा हो किस तरीके में ब्रश, जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है वो मैंने उसके लिए सैप ग्रीन एंड पर्सन ब्लू का यूज किया है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके बना रहा हूँ। धीरे धीरे करके जो एरिया ड्राई हो रहे हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि जो डेप्थ वाले एरिया होंगे, यानी जो डिस्टेंस में है, वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, एंड पास के एरिया थोड़े से आपको हार्ड करने हैं, जिससे कि हमें डिस्टेंस फील कर सकें। अब जो एरिया ड्राई हो चुका है, वहाँ पे आपको पहले क्लीन ब्रश को क्लीन करके वाटर लगाना, देन उसके ऊपर कलर अप्लाई करना है, जिसके कारण वहाँ पे एक सॉफ्टनेस आ सके। आप देख सकते हो मैं किस तरीके अप्लाई कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको दोबारा कलर अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक ये मेथड होता है कि पूरा बेस ड्राई हो जाने के बाद आप क्लीन वाटर से वहाँ पे पहले वाटर लगाओ, देन उसके ऊपर कलर अप्लाई करो। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा करते भी हैं, तो आप देख सकते हो। एंड मैंने राउंड ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल जैसे लीव्स होती हैं ट्रीज़ की, वो मैंने दिखाया हुआ है। तो स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो पहले पूरे बेस में आप वाटर लगा लो, उसके बाद थोड़ा सा वेट ऑन वेट काम होगा। ठीक है, और पास की चीज़ों को थोड़ा सा हार्ड करो। नॉर्मल मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं किया है, पर्शियन ब्लू एंड सैप ग्रीन डार्क के लिए। और डिस्टेंस को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं, हल्का सा पीछे की साइड गैम्बोज और हल्का सैप ग्रीन कलर लिया है। और मुझे बैकग्राउंड का एरिया करना है, तो मैंने हल्का सा टर्कोइज ब्लू डाला है कलर, बहुत ही लाइट से थोड़ी डिस्टेंस भी ला सके। अब पूरी तरीके ड्राई हो जाने के बाद तब मैं इस पर वर्क करूँगा। तो आपको दिख रहा होगा मैं किस तरीके बना रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आगे भी आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। एंड जो मैं ब्रांचेस बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू एंड पर्शियन ब्लू मिक्स किया है। ध्यान ही रखना है कि स्टार्टिंग इसका भी पार्ट आपको थोड़ा वेट ऑन वेट करना है, जिससे कि एक 3D वाला फील आ सके। ऐसे जितने भी ब्रांचेस हैं, धीरे धीरे करके मैं इन्हीं कलर्स को लेकर के अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ किस तरह से, और बहुत ही ध्यान से करना है। आप पहले एक बेस लगा लो, देन डार्क कलर अप्लाई करो, क्योंकि वाटर कलर में हमेशा हम लाइट टू डार्क चलते हैं, क्योंकि हम डार्क कलर पहले अप्लाई नहीं करेंगे। और बीच बीच में मैंने हल्का सा ग्रेडियन ग्रीन एंड सैप में हल्का सा मैंने स्प्रेड किया है, मे भी आपको बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा होगा जो हैंड के अपर साइड से। अब इस वाले कलर मैंने सैप ग्रीन प्लस ग्रेडियन ग्रीन मैंने मिक्स किया हुआ है, एंड उससे मैं ट्रीज की लीव्स बना रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा मैं किस तरीके साथ ही साथ काम करते चल रहा हूँ, जिससे कि एक सॉफ्टनेस आ सके। और डायरेक्टली एक ड्राई ब्रश का यूज करके मैं ट्रीज की ब्रांचेस बना रहा हूँ। जितनी डिटेल करता जाऊंगा उतना ही इसका एक रियल वाला फील आता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रश के स्ट्रोक्स देखे किस तरीके चला रहा हूँ। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो एक बार में काम। और जो लाइट के एरिया में आ रहा है, वहाँ मैंने हल्का सा ऑरेंज और हल्का सा मैंने स्कारलेट लिया है, एंड सैप ग्रीन एंड गैम्बोज मिक्स करके मैंने उस जगह पे अप्लाई कर दिया है। और कहीं कहीं पे मैं डार्क स्ट्रोक चला रहा हूँ, जिससे कि एक लाइट की एक ब्राइटनेस फील हो सके। तो आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरीके काम किया हुआ है। एंड जो लाइट के जस्ट सामने आ रहा है, उसमें हल्के से मैंने ब्रांचेस में लाइट ऑरेंज एंड नीचे से हल्का सा पर्शियन ब्लू एंड अल्ट्रामरीन ब्लू का और सैप ग्रीन मिक्स करके मैंने लगा दिया है ब्रांचेस में। तो आपको देखो एक ब्राइटनेस फील हो रही होगी। इसका एक कंप्लीट वीडियो भी लास्ट में मैंने एक रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकते हो। अभी तो मैं काम करते हुए बिना वीडियो बनाया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके अप्लाई कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जितना मैं डार्क कर रहा हूँ उतनी एक ब्राइटनेस फील आ रही है। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा घर में, और जैसा भी आपको लगता है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा, और जिससे कि आपको और नॉलेज मिल सके और डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ बनाऊँगा।
जिससे कि आप देख के सीख सकते हो। मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखना एंड खुद ट्राई करना तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और जैसा भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो देखने में अच्छी लग रही होगी। स्टार्टिंग पार्ट कैसा था एंड एंडिंग देखिए कैसे हो रही, किस तरह से एक लाइट फील आ रही है, एक डेप्थ आ रही है पेंटिंग में। आप मेरी पेंटिंग का कंप्लीट फॉर्म देख सकते हो, मैंने लास्ट में मैंने रिकॉर्ड किया है तो आपको दिख रहा है। डिटेलिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके पैचेस लगाए हैं, कुछ स्मॉल पैचेस है, कुछ बिग साइज के पैचेस है, जिससे कि लीफ बड़ी एंड छोटी वैसा फील आ सके। तो आप देख सकते हो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स टू एवरीवन।